इस प्रयोग में जो प्लास्टिक का गिलास है उसे तलहटी में एक छेद बनाया हुआ है। उस छेद से पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन गिलास नहीं गिरता क्योंकि वह गिलास हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर यह गिलास हमने हाथ से छोड़ दिया तो वह भी उसी पल मुक्तता से नीचे गिर जाएगा। इस समय आप समझ पाएंगे कि बाहर गिरने वाला पानी छेद से बाहर गिरता है, ऐसा क्यों होता होगा। तो जिस समय कोई चीज मुक्त रूप से नीचे गिरती है उस समय उस पर केवल एक ही बल कार्य करता है, वह है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के कारण वह प्लास्टिक का गिलास नीचे गिरता है। दोनों वस्तुओं में त्वरणीय गति पाते हैं। ये त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना गुरुत्वीय त्वरण है। उन दोनों के गुरुत्वीय त्वरण में फर्क न होने के कारण जो पानी का गिलास छेद से नीचे गिरना चाहिए था वह गिलास के साथ ही नीचे गिर जाता है। यहाँ गिलास और पानी की गति एक दूसरे के तुलना में समान ही होगी। आपके ये ध्यान में आएगा कि जिस वक्त कोई वस्तु मुक्तता से अर्थात केवल और केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है उस समय उस पर अन्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है, इसलिए वे दोनों वस्तुएं एक ही समय नीचे गिरती हुई दिखाई देती हैं। गैलीलियो ने पीसा की मीनार से यही प्रयोग करके हमें दिखाया है। इस प्रयोग के लिए एक अपेक्षा ऐसी होती है कि निर्वात अर्थात जिस जगह हवा का विरोध नहीं होगा ऐसे ही स्थान पर यह प्रयोग कर सकते हैं। यही प्रयोग एक अलग तरीके से दिखाया है। इस स्थान पर जो उपकरण दिख रहा है उसमें एक प्लास्टिक की बोतल के आधे हिस्से में एक फुलाया हुआ गुब्बारा लगाया है। बोतल के नीचे रबर बैंड के 3 टुकड़ों से एक वजन लगाया है। उस वजन में एक कील या ऑलपिन लगाया हुआ है, इस कारण रबर बैंड पर खिंचाव रहेगा। जिस समय यह उपकरण हाथ से नीचे फेंक दिया जाएगा उस वक्त क्या होगा, क्या गुब्बारा फूटेगा? गुब्बारा फूट ही गया तो वह किस स्थान पर फूटेगा, बीच में या कहीं जमीन पर गिरने के बाद? ये हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। आपके ध्यान में आया होगा कि जिस समय प्रयोग करने वाले ने अपना हाथ हटाया और उपकरण नीचे गिरने लगा उसी पल गुब्बारा फूट गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये उपकरण मुक्तता से जमीन पर नीचे गिर रहा है, यही मुक्त पतन फ्री फॉल अर्थात उस पर केवल और केवल गुरुत्वीय बल काम करता है। उतना ही बल गुब्बारे पर, प्लास्टिक की बोतल पर और रबर बैंड पर क्रिया करता है। गुरुत्वीय त्वरण सभी जगह समान होता है। रबर बैंड पर गुरुत्वीय बल से जो खिंचाव होने वाला है वह खिंचाव खत्म हो गया। खिंचाव होने के कारण नीचे लगा हुआ वजन ऊपर की दिशा में ढकेला गया और उसमें होने वाली ऑलपिन से गुब्बारा फूट गया। इसका मतलब उपकरण छोड़ते ही वह वस्तु मुक्तता से नीचे गिरने के कारण और गुरुत्वीय त्वरण उतना ही अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होने के कारण वह गुब्बारा प्रारंभिक पलों में ही फूटता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरीके से कोई भी वस्तु जब मुक्त पतन अथवा फ्री फॉल पद्धति से नीचे गिर रही होती है उस समय मानव उसे भार विरहित अवस्था प्राप्त होती है।